कर रहे तुम? फेरी को देखना। कहाँ चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, डर के मारे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और जो इससे पिछला ब्लॉग था उसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया और मैंने कहा था आप टाइम कमेंट करें और मुझे कमेंट में बताएं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इतना सारा प्यार देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सारे कमेंट आए, तो हमने फिर डिसाइड कर ही लिया है। तो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और जो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है वो लगभग हो रही है 2:30 बजे से। तो पूरा दिन हम ना सोचते ही रहे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। देखिए, ये फैसला इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, लेकिन हमने सोचा ये कि जो ये राजा है ना, अगर हमने इसको किसी को दे दिया तो वो पता नहीं अच्छे से रखेंगे नहीं रखेंगे, तो हमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि हम इतने दिन से रख रहे हैं तो हमें भी काफ़ी लगाव हो गया है। फेरिया हमारे पास ऑलरेडी है तो मुश्किल तो बहुत होगा और एडजस्ट मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगे। वीडियो में इतना नहीं पता चल पाता है, लेकिन जब रियलिटी होती है तब पता लगता है। एडजस्ट करना इसको इतना आसान नहीं है, फेरिया के लिए भी और उसके लिए भी। वो भी फेरिया को मतलब बर्दाश्त नहीं करता। अभी मैंने ना इसको, मैं सच बता रही हूँ, उसको मैंने ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। और इसको भी, फेरिया को देखिए, इसका वो चैन बंधी हुई है तब जाके बैठी हुई है। इससे काफ़ी डरी हुई है ये, अगर हम छोड़ दें तो ये भाग जाएगी। तो इतना आसान नहीं है जो हमने फैसला लिया है। और हमें लग रहा था कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है, तो हमने एक बार को ये सोचा था कि ये जो डॉग है इसको हम दे देंगे। कल तक मैं यही सोच रही थी कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है इसको दे देते हैं, लेकिन कल जब शाम को मैंने इसका फिर से कान देखा तो फिर से इसका एक नया घाव हो गया है। तो मुझे लगता है इसका एक ठीक होता है और एक फिर दोबारा हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर हमने किसी को दे दिया तो वो पता नहीं रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो मुझे, और मैं नहीं चाहती कि इसको कोई ले जाने के बाद फिर से इसी तरीके से छोड़ दे और इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो अब जैसा भी है अब हमारे पास है, तो फाइनल डिसीजन हमारा क्या है? छात्र, हमने ये डिसीजन लिया है कि जैसे भी हम रख पाएंगे हम इसे साथ ही रखेंगे। और हाँ, तो एक केयर शायद ना कर पाए, वही तो कर भी देगा तो पता नहीं इसका जख्म देख के और इसको हालत देख के छोड़ देगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम रख ही लेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। और ब्लॉग में तो आप लोग देखते ही रहेंगे। और देखना, फेरिया छूटने के बाद भाग गई है। क्या है? तो राजा फाइनली अडॉप्टेड हो गया है। राजा, राजा कैसा लग रहा है बताओ? और अभी ना इसके फेरिया के पीछे पड़ा है, तो हमें कुछ तो संभल के रहना पड़ेगा, इसे बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छी तरीके से ठीक नहीं होता है तब तक हम फेरिया को इसके संपर्क में नहीं आने दे सकते हैं। और जब तक ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब हम विंटर में इसकी सर्जरी करवाएंगे, वो ऑपरेशन कराएंगे नसबंदी वाला, तो वो बहुत जरूरी है। न्यूट्री ऐसे कुछ कहते हैं उसे, तो वो हम करवाएंगे। इधर आ, इधर आ, चल हेलो कर, हेलो करो, हेलो करो, इसको ना सिखाना पड़ेगा। हेलो, ये देखना, हेलो करते हुए काटने को आता है। कुछ नहीं सिखा तेरे को, कुछ नहीं सिखा, सब सिखा देंगे हम, ठीक है? इसके अलावा ना, जो राजा है जहां पर भी रहा है वहां पर हमेशा बंधा रहा है, तो ये बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं है। जो भी आता जाता है उसको भौंकता है। मतलब फेरिया तो हमारे पास बचपन से रही है तो हम उसे सबसे मिलवाते रहे हैं, तो वो इतनी एग्रेसिव नहीं है, ये थोड़ा एग्रेसिव है। किसी को भी देखता है ना तो मतलब ऐसा करता है जैसे उसको काट लेगा। तो थोड़ा हमें अभी इसको दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तो लगभग हमें इसे बहुत कुछ करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हम धीरे धीरे सब कुछ कर देंगे, है ना राजा? अब हमारा कहना मानेगा ना? हेलो करो, हेलो, हेलो, ये देखो, ये देखो, हेलो करने के नाम पे ये देखो ये करता है। ये पूरा घर आसमान पे उठा रखा, क्या चाहिए बता, बोल बोल, हैं? इसको इसको छोड़ देगा तू? इसको भोंकता है अभी ना? ये है बाबू, है मेरा ये बाबू है, चल पागल। उसकी हालत देखना, क्यों चिढ़ा रहे हो उसे? क्या हुआ, क्या हुआ, बता 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 बता, इतना गुस्सा क्यों करता है?
क्या हुआ? फेरिया आपका दोस्त आया, ये ना फेरिया का सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है ना, और फेरिया इसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो राजा को भी हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा फ्रेंडली, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं उससे अभी, क्योंकि वो बहुत भौंकता है। फेरी ये देखना कैसे कर दिया, क्या आते ही ना इसने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, तो जब भी ये खाना नहीं खाती ना तो मैं ऐसे ही बुला के लाती हूँ, है ना रिदम? हाँ जी, शर्मा रहे तू, इधर तो देख शर्मा रहे। हाँ तो दोस्तों हम ना मार्केट जा रहे हैं, और ये कभी स्कूटी पे नहीं बैठा है, फेरिया तो बैठ जाती है, तो थोड़ा सा हम अभी ये सोच रहे हैं कि अपने घर के आसपास ना इसको थोड़ा सा बैठा के घुमाते हैं, ताकि देखते हैं इसका क्या रिएक्शन रहता है स्कूटी पे बैठने पे। और फेरिया पहले आ गई है, उसको पता लग गया है कि उसकी स्कूटी पे कब्जा होने वाला है, ये देखो लड़ाई इनकी। हम चलो स्कूटी पे बैठो, जल्दी बैठो, बैठो, चलो बैठ जाओ, फिर नीचे उतरो, फिर तू बैठ, तू बैठ जा, इसको बैठाओ पहले थोड़ी देर, बैठ जा, तू ऊपर आ जा, तू ऊपर आ जा, अरे यार एक रुक तो जाओ, चलो चलो बैठो, बैठो, बैठने जा इसको, बैठाओ इसको, अरे भाई, अरे इसको भी चलो, इसको मैं पकड़ती हूँ, ले जाना, हे भगवान क्या लड़ाई कर रहा तुम दोनों, ये दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, इसको थोड़ा सा बैठा के तो क्या, बैठो बैठो बैठो, बैठो, बैठो। फेरी नो, अरे यार नहीं जा रहा है, झगड़ा मत कर, ये नहीं जा रहा बेटा, आ जा, आ जा, आ तू यहाँ, आ जा, आ जा, तुझे भी बैठाओ, किसको लेके आओ, उसे उसके लिए खड़ी हो गई, अरे ये इसकी जगह पे बैठ गई, इसको ये हो रहा है, नीचे उतार ली उसको, अरे रुक जा भाई रुक जा, नीचे तो उतरने दे, अब ये रोज का ड्रामा है, अरे ये भी तो जाएगा, फिर चलेगी तू ही चलेगी, चलेगी क्या करना है बता, ये तो बैठ गया, सीख जाएगा, ये सीख जाएगा, फिर चलो बैठो, इसको बैठाओ ऊपर, हाँ इसको खड़ा कर दे, मैं सोचता हूँ, आओ तभी मैं कह रही थी कि बहुत मुश्किल है इन दोनों के साथ एडजस्ट करना, छोटा बच्चा हो ना तो उसको समझा सकते हैं, ये थोड़ा बड़ा है और ये भी चरचरी है बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इन दोनों को, एक जगह ले जाना भी तो माँ भारत है, वही तो, तो हमने आपका कहना मान लिया और हमारा भी जो मन कर रहा था, और ये मुश्किल टास्क अब देखो क्या क्या होता है, एक को तो यहीं छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, जब ये सही हो जाएगा तब लेके चलेंगे, आप उतरो, नहीं रहो आप, नहीं जा रहा, आ जा आ जा आ जा आ जा, देखिए कितनी जल्दी कूद दी, आ जा आ जा आ जाएगा, वो भी वो भी नहीं जाएगा, ये भी आ जा चल 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 चल, अब मैं इसको बांध के आ जाती हूँ, वो भी बोल रहा होगा बेचारा मेरे को लेके गए और वो नहीं करा, तो जैसे ही हम घर से निकले हैं ना तो इतना अच्छा मौसम हो गया, इतनी अच्छी हवा चल रही है, हल्के हल्के बादल हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई मार्केट के लिए निकल ही जाता है, और राजा की दवाई भी लानी है तो उसका घाव फिर से हो गया है, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम एक दो दिन में अगर नहीं ठीक हुआ तो उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे, जो फेरिया का जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास जाके भी वो ठीक हो जाएगा, और जो जिन्होंने इलाज किया तो वो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इतने गहरे जख्म थे ना इसके, तो इतनी जल्दी रिकवर हो गए तो बहुत बड़ी बात है, तो मैं उन डॉक्टर का भी थैंक यू करना चाहूंगी।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मेन मार्केट पल्टन बाज़ार, और ये देहरादून का फेमस बाज़ार है। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, से मिलने आए और इतनी फ्रेंडली है ना, फिर ये सेलिब्रिटी हो गई है। नहीं चाहिए हाथ हेलो कर दो बच्चे, हेलो करो, हेलो करो, प्यारो प्यारो कर दो, प्यारो प्यारो करो, चलो हेलो करो, ऐसे करो, हेलो 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 बाबू। तो मैं मार्केट तो आई हुई हूँ और रक्षाबंधन में आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं राखी भी ले जाती हूँ। और जो मेरे एक भैया हैं वो कानपुर रहते हैं, तो उनके लिए मुझे भिजवानी पड़ती है। तो मैं राखी ढूंढ रही हूँ, राखी की दुकान कहाँ है। पल्टन बाज़ार की तो शॉपिंग हो चुकी है और बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज, क्योंकि राखी भी आने वाली है, तो शायद इसी वजह से। और इसके बाद जो मेन काम था मेरा वो था राशन, जो मैंने ले लिया, और काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लेना था। सारी शॉपिंग तो हो चुकी है, अब चलते हैं घर। चलो बैठो। तो दोस्तों घर आ चुके हैं और फिर इनका चूहे बिल्ली का खेल स्टार्ट हो गया है। राजा खाना जी खाते लेके आए, घाव सही नहीं है, चलो फेरी भी प्यासी है। तो दोस्तों घर तो पहुंच चुके हैं और मैंने कहा था कि पापा की हालत कैसी है। पापा अब तो नहीं है दर्द? थोड़ा सा, थोड़ा सा। तो कल ना पापा बहुत तेज गिर गए थे, तो ये हाथ ना इनका यहाँ से, और पापा की जो पैर है ना उसमें भी वो पड़ी हुई है रॉड, वो तीन जगह से टूट गया था। तो कल बहुत मतलब हम डर गए थे कि ज़्यादा तो नहीं होगा, पर शुक्र है कि हाथ अपने आप चढ़ गया। तो इसी वजह से पापा की ये चप्पल लेके आई हूँ, जो पापा चप्पल पहन रहे थे वो स्लिप कर रही थी, है ना पापा? ठीक है, अब ये खांचेदार हो जाएगा, ये ठीक आराम से। फिर ये थक गई, मम्मी से सेवा करा रही है, थक गया बच्चा। और हमारे साथ ही पूरे दिन बाजार में रही बेचारी, थक गई है। सो जाओ, चलो निन्नी कर लो, मम्मी सुला रही है ना, सो जाओ। ओहो हो, राजा बेटा सो गया, ओ निन्नी आ गई, देखो देखो आंखें बंद कर ली इसने। सो जा, चल सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, सो जाओ, चलो सो गए। तो अभी बज रहे हैं लगभग शाम के 5:30, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, मम्मी वेट कर रही होगी चाय बनाने का। वैसे तो मम्मी सारे काम अभी भी कर लेती है, तो लेकिन मैं करने नहीं देती हूँ, है ना मम्मी? करने ही नहीं देती तो मैं क्या करूँ? हाँ वही तो अब मैं जाती हूँ चाय बनाने। और मैंने आपको फाइनल डिसीजन तो बता ही दिया कि हम राजा को खुद ही रख रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उसे कोई मतलब डर है, रखेगा कि नहीं रखेगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन हमें डर है, इस वजह से हम उसको किसी को नहीं देंगे। और देखेंगे कि वो जल्दी से जल्दी प्रॉपर ठीक हो जाए, अभी उसका कुछ ठीक नहीं है, जो घाव भरता है फिर हो जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, आई होप आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।